HTML, step by step you will do it. HTML, then head. Title is not compulsory. You can ignore that. Isme? Now in a body tag. अब हमने इन लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हाउ वी कैन इंसर्ट फॉर्म, बट फॉर्म शुड बी इन ए सिस्टमैटिकल वे. ठीक है, सिस्टमैटिकल वे मींस इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. तो उसके लिए हमें क्या है कि यू विल हैव टू यूज टेबल विद फॉर्म. तो इफ यू वांट टू यूज टेबल, टेक यूज टेबल, table, then border equal to 2, and then start with tr, then td. Okay, in this form first is university. Two columns are there. Okay, university, and then text box is here, then institute, text box is here. Okay, upar ki taraf kya likha hua hai, registration detail. To sabse pehle humne likhna hai registration detail. You can't make as it is because here we use a different programming language. यहाँ पे जो form है ये HTML का form नहीं, इसमें CSS वगैरह लगी हुई है. ठीक है, तो हमने जितना होगा हम इसको copy करेंगे. So here next is university. It has two columns. First is university and then td close, and after that td input type equal to text name equal to a. हर एक कॉम्पोनेंट को अपने नेम जरूर देना है. बट रिमेंबर वन थिंग कि वी आर यूजिंग फॉर्म, और इनपुट हमने टैग यूज किया है, और विदाउट फॉर्म हम इनपुट टैग यूज नहीं कर सकते. तो हमें टेबल टैग इमीडिएटली आफ्टर टेबल टैग स्टार्ट फॉर्म, फॉर्म नेम इक्वल टू माय फॉर्म, मेथड इक्वल टू पोस्ट, first row complete, start second row, next is institute, start with tr, td, institute. Then td close, start with td. Now this is your checkbox, text box. ठीक है, white color text box है. As it is copy कर लेना है आपने इसको. पर name क्या दे देना है इसको, b. tr close. Next is branch.
यहाँ तक कोडिंग मिटा, जल्दी से टाइप करो, टाइप द कोडिंग प्लीज। ओके, हियर ब्रांच में हमारे पास एक लिस्ट दी है, लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करने का मेथड डिफरेंट है, ये दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज टेक्स्ट बॉक्स, बट ये जो है जिसके साथ एरो आ रहा है, दिस आर कॉल्ड लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट लिस्ट बॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज tr start, here it is branch, td close, td here we are going to create one list, okay, for this use here one tag that is called select. So select, इसको name कोई भी दे दो, name मैंने दे दिया इसको, already हम A B C दे चुके हैं, A B and C C। इसके अंदर बेटा option देनी पड़ेगी, ठीक है, जैसे आप देते हो city जलंधर लुधियाना ऐसे, ठीक है, options में यहाँ पे तो हमारे पास कुछ विजिबिलिटी नहीं है ना, कौन सी ऑप्शंस है, ब्रांच तो हम ले लेते जलंधर ब्रांच, लुधियाना ब्रांच, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे कर लेते इसको। तो ऑप्शन यहाँ पे वैल्यू, ये वैल्यू जो डेटाबेस के पास जाएगा, जाएगी वैल्यू जलंधर, ऑप्शन क्लोज, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज लुधियाना, सपोज वी नीड ओनली टू ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट को क्लोज कर देना, क्लोज दी सेलेक्ट, देन डी आर क्लोज, नेक्स्ट रो स्टार्ट। अब नेक्स्ट रो में हमारे पास फिर से क्या था, डिग्री, ठीक है। ऐसे करते हैं यहां तक डिस्प्ले करके देखते हैं कि हमारा लुक कैसे आ रही है। तो वी आर क्लोजिंग फॉर्म, we are closing table, then body tag, then html tag, sare tag close karne ke baad I am saving this file, this is abc.html, and saving this in desktop. यहाँ पे हम चेक करते हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हाँ ब्रांच में हमने ऊपर की तरफ ब्रांच लिख दी है, टाइप कर दी है, ठीक है। आई एम चेंजिंग दिस ब्रांच, टू टाइम्स आ गया यहाँ पे, ये देखो बेटा दिस इज यूनिवर्सिटी,
ठीक है, दिस इज इंस्टीट्यूट एंड दिस इज योर लिस्ट, ठीक है। इन केस अगर आप चाहते हो कि लुधियाना लिखा है, लुधियाना ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लुधियाना लिखा हुआ था ना आपने सिलेक्ट में, यहाँ पे लिख देना है साथ में सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड। तो आई एम सेविंग दिस एंड रिफ्रेशिंग दिस, देखो लुधियाना आ गया लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे लेना है आपने, सिंपली जिस भी ऑप्शन के साथ हमने सिलेक्टेड करना है उसके साथ ना ऑप्शन के साथ सिलेक्टेड वर्ड लिख देना है। नेक्स्ट इज, एनी डाउट हियर? सो नेक्स्ट इज हियर डिग्री, सो डिग्री में भी बीकॉम और एमसीए लाइक दिस, ठीक है। तो डिग्री के साथ यहाँ पे देर आर टू मोर रेडियो बटन आते हैं, परसुइंग और कंप्लीटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिग्री ले रहे हैं, यहाँ पे डिग्री के लिए यहाँ पे वी विल हैव टू टेक टी आर अगेन टी डी, ठीक है, देन डिग्री। और डिग्री के साथ वी नो दैट देर इज वन अगेन लिस्ट, तो लिस्ट के लिए हमारे पास सिलेक्ट नेम इक्वल टू, और वेन एवर यू विल यूज सिलेक्ट हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू एमबीए, ऑप्शन क्लोज। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू विल बी सिलेक्टेड, अगर आपने कोई और वैल्यू सिलेक्ट करनी है तो यू विल गिव सिलेक्टेड एम कॉम, I am taking two options. और अगर मैंने इसको सिलेक्ट करना है तो क्या लिखूंगा, सिलेक्टेड then option close, select close, और after that immediately there are some two radio buttons, ठीक है, for giving radio buttons. तो रेडियो बटन के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, और रेडियो बटन में देयर इज वन फीचर, नेम सेम होते हैं, ठीक है, नेम इक्वल टू, इफ आई एम टेकिंग नेम ई, तो नेक्स्ट जो आपने लेना है उसमें भी क्या लेना है, आपने ई ही लेना है, और इसके साथ एक और यू विल हैव टू टेक वन मोर एट्रीब्यूट वैल्यू, हियर इज वैल्यू इज कंप्लीटेड, then PP close, PR close, save this,
refresh. So here, degree, MCOM, MPA, pursuing or completed. Next is, here one more component I'm completing, applying here. In case, आप चाहते हो कि यहाँ पे कई बार आपने आपकी पिक्चर अपलोड करनी होती है, फाइल अपलोड, ठीक है, वो ऑप्शन आपको करवाना होगा अगर वो वाला फीचर भी हो उसमें. तो सपोज यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पिक को अपलोड करना है, आपने टी आर टी डी प्रोफाइल पिक, TD input type equal to file. TR close. Here TD close. ये देखो आपने बटन के ऊपर क्लिक करना है, चूज फाइल, सिलेक्ट योर फाइल, फाइल विल सिलेक्टेड एंड एट्रीब्यूट्स आर इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल, इट मीन इट इज अ फाइल अपलोड. यस ऑनलाइन स्टूडेंट एनी डाउट हियर? Bhumika, any doubt? सर अगर हमने रेडियो बटन की जगह पर चेक बॉक्स लगाना हो तो बेटा सिंपली यू विल यूज योर चेक बॉक्स एंड नेम विल बी डिफरेंट. हियर इज ई, हियर शुड बी एफ. नेम मस्ट बी डिफरेंट. And last is in case you want to insert buttons, ठीक है, तो अगर आपने बटन इंसर्ट करने, टेक हियर टी डी इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, in case you want to change the name of the button, by default is submit button, to aapne dena value equal to okay, ye caption ho jayegi button. ओके बटन, कैंसिल तक जो हमने कंपोनेंट्स किए डिस्कस वो हमने किया. इन केस यू वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स,
कैसे करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, क्लियर होगा, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, यू वांट कि पासवर्ड हो, कि टेक्स्ट यू एंटर द टेक्स्ट इट शुड बी इंक्रिप्टेड, तो आपने क्या लेना है, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। इन केस यू वांट टू इंसर्ट रेडियो बटन्स, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इन केस आपने अपने चेकबॉक्स लिख किया ना, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स। अगर आपने बटन लिख किया ना, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, दीज आर टू बटन्स। इन केस यू वांट टू इंसर्ट लिस्ट, ठीक है, लिस्ट के लिए क्या लेना है आपने, फर्स्ट यू विल टेक सिलेक्ट, और आफ्टर दैट यू विल टेक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकेंड ऑप्शन, एट द एंड यू विल सिलेक्ट क्लोज द सिलेक्टर। ये क्या आ जाएगी, लिस्ट बॉक्स। एंड इन केस यू वांट टू टेक टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइंस में, ठीक है, जैसे एड्रेस आता है, तो यू विल टेक हियर टेक्स्ट एरिया, रोज इक्वल टू, जितनी भी रोज लेनी है, कॉस इक्वल टू, जितने भी आपने कॉलम्स लेने हैं, एंड आफ्टर दैट क्लोज द टेक्स्ट एरिया। Yes, offline students, is it clear? Yes, online student, any doubt, beta? So this is all about the forms. पेपर में क्वेश्चंस फॉर्म से लिंक उसके एट्रीब्यूट भी आ सकते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ फॉर्म टैग, इनपुट टैग, ठीक है, वो डिस्कस एक कर सकते।
कैसे हाँ वैसे ही फॉर्मेट वैसे ही होता है these will questions kita pata kya for all the state here will be mcq paper theek hai jaise us format mein aayenge to same format mein so here the different attributes theek hai jo hum discuss karne ja rahe hain attributes tag attributes form tag theoretical questions form tag attributes are name of the your form okay then method kaun kaun se hai get and post action yahan pe hame web page dena padega jisme jo web page aapne open karna hai on clicking on submit button then target in which position you want to open the new page either in the new tab or in the same tab then here is encrypt type these are the encrypt type these are the attribute of form tag aur jo aapke paas input tag hai कि जो एट्रीब्यूट्स हैं नेम टाइप वैल्यू ओके स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू क्लोज द मीटिंग टाइम इज ओवर टेक केयर बाय बाय